यार देखो सीधी बात ही है, दोस्ती यार बहुत अलग लेवल की चीज़ है यार। अगर आप करते हो ना तो प्लीज़ दिमाग से मत करना कभी भी, दिल से करना, ज़िंदगी भर चल जाएगी। और दिमाग से करोगे ना तो फिर भाई दो घड़ी नहीं चलने वाली। गिरोगी नहीं, अब पे रखो, इस पे रखो। क्या हो गया? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अभी एक मॉर्निंग की राइड पर मैं निकल चुका हूँ और अभी भी मैं सोलो ही हूँ दोस्तों। संडे राइड है एंड ये वाला जब से नया सेटअप लगाया ना दोस्तों, अपने हेलमेट का जो नया वाला, भाई साहब इसके अंदर में बिल्कुल भी हवा नहीं आती। तो इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि आप लोगों को वॉइस क्वालिटी एकदम क्लियर मिलती है। नुकसान के भाई साहब मैं एकदम स्वेट हो जाता हूँ गर्मी के मारे। मॉर्निंग राइड करने का दोस्तों मज़ा अलग है। और भाई मनोज भाई ने तो कल कमाल कर डाला, हमारे मनोज भाई ने ब्लॉग को शेयर कराया अपनी पोस्ट पर, पर्सनल लेवल पर। यार अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और मनोज भाई इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो यार एक बढ़िया बात है मेरे लिए। और जल्दी मैं लॉन्ग राइड का भी प्लान बना चुका हूँ, ऋषिकेश आ रहे हैं दोस्तों हम। अगर कोई ऋषिकेश से देख रहा है ब्लॉग सो प्लीज़ यार बस मिलने के लिए तैयार हैं। हम लोग आ रहे हैं ऋषिकेश, 17-18 तारीख को हम लोग आगरा से निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। चार या पांच हम लोग राइडर होंगे और बस आप लोगों से एक मीटअप रखेंगे जस्ट, और थोड़ा बहुत घूमेंगे। फुल इन्जॉयमेंट होने वाला है इस बार ऋषिकेश। वेलकम टू ऋषिकेश, हम लोग ऋषिकेश आ रहे हैं दोस्तों। अभी सनराइज़ हो रहा है तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। सुबह सुबह तो ठीक है भाई साहब, अभी एक घंटे के बाद जो यहाँ पे रोड पे जाम मिलने वाला है ना, मतलब तबाही जाम हो जाएगा एकदम। अब इस गाड़ी का जनरली मेंटेनेंस आने वाला है जल्दी, काफ़ी चीज़ें हम इसमें फिर से अपग्रेड करेंगे, जैसे कि इसका चेन क्लीन करेंगे पूरा उतार करके पूरा गाड़ी से, एंड इसमें पूरा अच्छे से कूलेंट रिफिल करेंगे। इंजन ऑयल तो अभी मैंने डाल ही रखा है, बाकी एयर फिल्टर, टोटल बॉडी क्लीनिंग सारा काम आने वाला है दोस्तों, क्योंकि 10,000 इसका कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 10,000 मेरी गाड़ी का कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों मॉर्निंग का पहला वाला फ्यूल जो होता है वो मैं करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सेफ जोन में पहले ही फ्यूल डला लूँगा। और आपको बताया मैं लो फ्यूल पर कभी भी गाड़ी नहीं चलाता हूँ। हाँ कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं भैया। बाकी होप कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी मस्त लगेगा, बढ़िया लगेगा, क्योंकि जस्ट एक ब्रेकफास्ट लाइट है वे पीछे बैठी है वो देखो। सुबह मैंने इसको कॉल करा, मैंने कहा भाई क्या, तीन चार तो इसने कॉल नहीं उठाए, चौथे कॉल पर इसका फ़ोन उठा बड़ी नींद में। फिर मैसेज टाइप किया गुड मॉर्निंग और बोला कि 7:30 का रखते हैं मिलने का। मैंने कहा ओके, साईं बाबा का मंदिर, ओम साईं राम। सो भाई सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं और क्या ही चाहिए यार लाइफ में। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया लास्ट वाले ब्लॉग्स पर भी, और ऐसे ही यार अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहो यार। आप लोगों से भैया प्यार सपोर्ट यही चाहिए। कल वाला ब्लॉग उसमें तो दिव्या ने फुल एक्साइटमेंट दिखाया है, जो इसका फूड वाला ब्लॉग था भाई, इसने जो बोला है ना भाई मैं भी नहीं इतना अच्छा बोल पाऊँगा, बहुत अच्छा बोला है इसने सही में। और ये जैसे ही मैं किट विट पहन के निकलता हूँ ना, जैकेट वैकेट में, सारे लोग यार मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई जाने क्या एलियन वेलियन निकल करके आ गया है। श्री चामुंडा देवी दर्शन हो गए भाई सुबह सुबह एक और टेम्पल के। कितना दिन अच्छा बीतेगा यार, आज बढ़िया एकदम। जल्दी दोस्तों लॉन्ग राइड का प्लान बन गया, जैसे मैंने बोला पहले ऋषिकेश है, उसके बाद अक्टूबर में हमारे लॉन्ग राइड स्टार्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 डेज़ के राइड्स हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लीज़ यार अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग यार मिस कर दोगे। अभी दोस्तों मैं कनेक्ट हो गया हूँ इस वाले हाईवे से और हाँ बना दो। मैं कनेक्ट हो गया हूँ हाईवे से और दिव्या पीछे बोल रही है मैं आपकी रील बनाती हूँ, बना दो भाई अच्छा लगेगा हमें तो रील वील। और रील अगर देखनी है दोस्तों तो मेरी आइडिया आ रही है आकाश चतुर्वेदी वाइकर, प्लीज़ फॉलो कर लेना, वो इसकी फूडी दिव्या के नाम से है। तो जो भी फूड ब्लॉग्स होते हैं वो ये उस पर डालती रहती हैं, और यूट्यूब का इनका जो चैनल का है वो भी फूडी दिव्या करके ही है। तो प्लीज़ यार एक बार चेकआउट करना, अगर आप खाने के दीवाने हो ना तो प्लीज़ यार एक बार चेकआउट ज़रूर करना, बंदी बहुत मेहनत कर रही है समय पर। सो प्लीज़ ऐसे जो बंदा मेहनत करता है ना यार उसको प्लीज़ सपोर्ट किया करो प्लीज़। और यहाँ मेरा फ्रेंड भी रहता है वैसे आगे बरारा में, आनंद, अगर वो देख रहा है ब्लॉग सो आनंद से हाय यार, अपना हाय दे देना ब्लॉग में।
काफ़ी दिन से मैं उनसे भी मिलने नहीं जा पाया, वरना एक समय था कि मैं इधर आता था और दो दो घंटे भाई इधर बिताता था पहले उसके साथ में, फिर उसके बाद अपने घर जाता था। मान लो मेरा घर 2 किलोमीटर मेरी मार्केट से है और मैं पहले इधर आता था 10-12-15-20 किलोमीटर दूर चलकर, फिर हम दोनों दोस्त बैठते थे, फिर कोल्ड ड्रिंक पीते थे साथ में, थोड़ी बहुत बातें करते थे, देन उसके बाद में फिर मैं अपने घर को जाता था। यार देखो सीधी बात ये है, दोस्ती यार बहुत अलग लेवल की चीज़ है यार, अगर आप करते हो ना तो प्लीज़ दिमाग से मत करना कभी भी, दिल से करना, ज़िंदगी भर चल जाएगी, और दिमाग से करोगे ना तो फिर भाई 2 घड़ी नहीं चलने वाली। कल वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कल वाला एक्सपीरियंस बहुत ऑसम था, और आज हमने प्लानिंग करा है ब्रेकफास्ट का। हाँ अच्छा, सुबह उठने में कैसा लगा ये बताओ। सुबह मैं उठ नहीं पाई थी, आपका कॉल आया है। हाँ हाँ, उसके बाद ही मैं उठी हूँ। ओके, सो रही थी, बहुत गहरी थी तो मम्मी ने उठाया है। अच्छा अच्छा, तो उठी नहीं पाती। तो दोस्तों 9 से 10 बजे सो गई। अरे अरे दोस्तों, आराम आराम से चलते चलते अभी मैं कनेक्ट होने वाला हूँ 2x2 रोड से, और दिव्या पीछे भाई रील बना रही है, वो देखो सीधे सही है यार, उसको मैंने अपना फ़ोन दे दिया है और वो लग गई है रील बनाने के लिए, अच्छे अच्छे रील निकल आएंगे। अब ये 2 कनेक्ट हो गया रोड, एक आपके इस साइड से अपने आगरा आते हैं, उस साइड से अपन जयपुर वाले हाईवे पर निकल जाते हैं, और माइलेज मेरी गाड़ी दिखा रही है दोस्तों 34 km/h, दिस इज़ द गुड माइलेज, और 400 cc। ये जयपुर 233 है, बीकानेर 562 है। वो यार व्यू देखो कितना डिसेंट है यहाँ का दोस्तों, अमेजिंग व्यू, ऑसम व्यू यार। एक बार ही ऊपर चलता हूँ, फिर इसके बाद में इधर से हम लोग फोटोग्राफ्स कराएंगे। भाई यहाँ पर लीन मारा था पहले हम लोगों ने बहुत एक्सट्रीम स्पीड पर, और यहाँ तक आए थे बस 1-2 फोटोग्राफ्स कराएंगे, देन हम लोग निकल जाएंगे उसके बाद में। काफ़ी बढ़िया लगा यार, मज़ा आया, अभी तक की राइड काफ़ी ऑसम रही, एकदम डिसेंट वाली। और ब्लॉग यहाँ तक अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और कर देना सब्सक्राइब अगर इस ब्लॉग के थ्रू आए हो, प्लीज़ 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 दोस्तों। क्या निकाला ये तुमने? मज़ा नहीं आया, ये देखो, ये वाली देखो। अभी यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों हम, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया है वैसे कि, जैसे कि 10 बजने के आसपास हैं, और अभी हमने एक जो रील निकाला है बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, कच्चे तुरी दिवाकर पर। सो दिव्या कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ मौसम भी अब थोड़ा ठीक हो गया, मौसम भी अच्छा लगा। भाई दिव्या ने आज 2-3 फ़ोटोज़ बहुत अच्छे अच्छे निकाल दिए मेरे, काफ़ी डिसेंट फ़ोटो हैं, अच्छे लगे देख करके। भाई देखो एक बार बता दूँ, ब्लॉगर की लाइफ बहुत टफ है। सो हम लोग आ रखे हैं अभी शेरे पंजाब, हम लोग आ गए अभी शेरे पंजाब, और यहाँ से अब फटाफट से निकलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट लेते हैं, देन फिर अपने आगरा को। भैया आज थोड़ा वर्क लोड भी मेरे पास ज़्यादा है तो वो भी देखना है। चलो वो क्या बंदा रह गया है, उसमें कुछ बांध दिया? अच्छा सो हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों शेरे पंजाब, और ब्रेकफास्ट लेंगे, देखते हैं यहाँ मॉर्निंग में क्या रहता है। बाइक मैंने उस साइड लगा दी है पार्क करके ये देख लो दोस्तों, टाइम फोटो नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम दिखा रहा हूँ ठीक है ना।
सो टाइम दिख गया होगा, हम लोग आए हैं यहाँ शेर पंजाब पर, ये इसका मेन्यू है और मेरे साथ ही दिख गया। इतनी सुस्ती कैसे सर? एक्चुअली है ना अभी आए हैं तो इस वजह से थोड़ी, और हम शेर पंजाब पे आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अब वो देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है और क्या चीज़ अच्छी है यहाँ पे, ठीक है ना? तो अभी देखते हैं क्या मिलता है, बाकी का जो भी आएगा। तो कुछ इनका मेन्यू, एक मिनट इधर दिखाना। तो इनका कुछ ये मेन्यू है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से, बस बाकी यही है। स्टार्ट होते ही मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया। फर्स्ट राउंड में ही दिव्या की हंसी देखो। सुना स्टार्ट हुआ और एंड, ये कैसी मूवी थी? ये पूरे कुछ रेट लिस्ट हैं यहाँ के, सो इसमें से जो भी होगा मैडम बताएंगे वही मंगाएंगे हम। और इसके बाद में जो ये भी इसका एक छोटा सा अपना बस जस्ट एक रिव्यू देंगे 2 या 3 मिनट का, देन उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके 3 ब्लॉग शूट हो चुके हैं और आज शायद इनका एक ब्लॉग मैं एडिट कर दूँगा दोस्तों। एक ब्लॉग में इनका एडिट आज ही कर दूंगा, देन जो अगले ब्लॉग्स होंगे वो एक दिन के स्टेप बुक करके एक दिन होल्ड करके हम डालेंगे, क्योंकि मेरे पास भी वर्क लोड आ गया है। 3 या 4 दिन में मेरे राइड्स स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, आपको पता है, जैसे मैं ऋषिकेश आ रहा हूँ और मसूरी आ रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग वहाँ से लौटने के बाद कुछ दिन रेस्ट करके थोड़ा अपना बिजनेस और सेटल करके उसके बाद हम निकल जाएंगे सिक्किम राइड पर। सो सिक्किम में आपको पता है काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे हमारे ब्लॉग्स आपको कंटिन्यूस अच्छे अच्छे मिलते हैं। गाइस टेस्टी है ब्रेकफास्ट, काफी टेस्टी है, और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगा ये है पकौड़े, बट ये ना बिल्कुल भी ऑयली से नहीं है। तो जो भी लोग फतेहपुर सीकरी घूमने आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ का ब्रेकफास्ट काफी अच्छा है, ऑयली नहीं है, हेल्दी है। और टी और मैं बता देती हूँ आपको कैसी है। काफ़ी अच्छी टी है, मसाला टी टाइप की है। तो गाइस जब भी आप फतेहपुर सीकरी घूमने आएँ तो शेर पंजाबी जो ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। सो दोस्तों अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं, 11 AM हो रहा है और अब बस टाइम हो गया है निकलने का, क्योंकि भाई ह्यूमिडिटी हो रही है, बाकी मैं कह रहा हूँ धूप वूप ना निकले तो ज़्यादा अच्छा है। फूड सही था दिव्या यहाँ का, है ना? हैं टेस्ट अच्छा था ना? तुमको कैसे लगे यहाँ के पकौड़े? हाँ पकौड़े अच्छे थे, सबसे अच्छी चीज़ ऑयली नहीं थे। हाँ और दोस्तों आज यार ऐसा हुआ है, 1 घंटे भी नहीं सोया हूँ, तो मैं मेरी आंखों में नींद दिख रही है ना। हाँ। मतलब ये हाल होता है दोस्तों मोटो ब्लॉगर का, कि मतलब लगे हुए हैं तो लगे ही हुए हैं, मेहनत में बहुत कर रहा हूँ इस समय पर, एक्सट्रीम मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत से नहीं पीछे हट रहा हूँ। दोस्तों अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ बिल्कुल, अब निकल रहे हैं दिव्या, बाय बाय। सो ठीक है, सो मिलते हैं दिव्या नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। और मिलता हूँ फिर किसी ऐसे अच्छे वीडियो के साथ दोस्तों, अपना लाइक करना, प्यार देना यार भरपूर, बस जय हिंद वंदे मातरम, बाय बाय। सो दोस्तों अभी मैंने कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑन करा जस्ट ये दिखाने के लिए कि यार कितना बढ़िया करा गया है यहाँ पर, आप देख लो कि पूरा व्यू देखो, कलर कोडिंग देखो यार कितना मस्त है यार, और ये पूरा की पूरा अब इंटरनल्स पर बनाया जा रहा है अपने आगरा के अंदर में यार। तो इसके लिए यार एक बिग थम्स अप यार, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाने का मन करता है जो सीनिक होती हैं यार।